शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। खबरदार! अब तुम देखो कि मैं इस मूर्ति के साथ क्या करती हूँ। हम जानते हैं लड़की मुसीबत का पहाड़ है, इसीलिए हम इससे इतनी नफरत करते हैं। इसे हर छोटी बड़ी सजा हम अपने हाथों से देना चाहते हैं, सिर्फ अपने हाथों से, क्योंकि हम इसे जितनी सजा देंगे हमें उतना ही सुकून मिलेगा। तो कनक, हमसे हमारा सुकून मत छीनो। इसे आज सजा मिलेगी और बहुत बड़ी सजा मिलेगी, पर वो सजा इसे देंगे हम। अधिराज, दिखाइए। अधिराज, आपको कितनी चोट लगी है? इसकी तो तुरंत औषधि लगानी होगी। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उतना नहीं जितना इसने मुझे दिया है, पर आज इससे अपने सारे दर्द का हिसाब करेंगे हम। हाँ, मार दो मुझे और इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दो। वैसे भी इस महल में घुट घुट के जीने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मार दो मुझे। देखा धीराज, इसे हमारा मतलब आपके महल से कितनी नफरत है, और अगर ये जीना नहीं चाहती तो मार दीजिए ना इसे। और वैसे भी इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, मार दो मुझे या फिर यहाँ से जाने दो, मेरी नानी के पास। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है। मुझे मार दो, मार दो मुझे। पता है तुम, हम तुम्हें मारना चाहते थे, पर तुम्हें यूं मौत के लिए भीख मांगते हुए देख हमने अपना इरादा बदल लिया। तुम्हें यूं अपने कदमों में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखकर हमें बहुत शांति मिल रही है। तुम मरना चाहती हो ना? इसीलिए अब नहीं मारेंगे तुम्हें, बल्कि तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम रोज मेरे कदमों में गिरकर अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ाओगी, भीख मांगोगी। नहीं अधिराज, इसे जीवित मत छोड़ना। इसने रानी माँ को मारने की कोशिश की। क्या? मैंने रानी साहब को मारने की कोशिश की? कब? जब तुमने उनके भोजन में जहर मिलाया तब। ये सब क्या कह रहे हो तुम? ये सब झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं लोगों को मारने और शिकार करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि मैं तो लोगों के शरीर से जहर निकालकर उनका जीवन बचाने में विश्वास करती। और इस बात को तुम बेहतर जानते हो अधिराज। ये अलग बात है, तुम्हारा घमंड तुम्हें सच्चाई को स्वीकारने नहीं देता। और करेंगे भी नहीं हम स्वीकार।
क्योंकि सबूत है हमारे पास। यही भोजन बनाया था ना तुमने, यही बनाया था ना, खाओ इसे, खाओ इसे। तुम्हारे हाथों से तो कभी नहीं। ये अंबे माँ का भोग है, अगर इसमें कोई जहर भी मिला देना तो वो अमृत हो जाता है। पर ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि जिसके मन में इतना जहर भरा हो उसे तो शहद भी कड़वा लगे। ए लड़के, हमने तुम्हें भोजन ग्रहण करने के लिए कहा है, सपान चबाने के लिए नहीं। वैसे ये भोग तुम्हें भी खाना चाहिए, शायद अंबे माँ तुम्हें कुछ सद्बुद्धि दे दे और तुम्हारी ये गंदी सोच सुधर जाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से इस तरह से बात करने की? माँ, आप यहाँ पर? माँ, आप ठीक तो है ना? आपको आराम करना चाहिए। हमारे बेटे को कोई इस तरह से भला बुरा कहे और हम जाकर आराम करें? कभी नहीं। आप जानते हैं कि अगर एक छोटा सा तिनका भी अगर आपकी आंखों में चला जाए तो हम वो पेड़ को ही आग लगा देते। और ये लड़की, इसने हमारे हीरे जैसे बेटे को गंदा इंसान कहा तो हम कैसे सहन करेंगे? मैंने गलत क्या कहा? गंदी सोच रखने वाला इंसान गंदा ही होता है। इनकी सोच गंदी है और क्या। सोचिए, इसने कहा कि मैंने आपके भोजन में जहर मिलाया। अगर मैंने आपके भोजन में जहर मिलाया होता तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ी नहीं होती, बल्कि मेरी लाश होती। माँ, ये ठीक कह रही, पर आपको ये भोजन करने के बाद बहुत कष्ट हुआ था ना? हो सकता है कि इसने हमारी भोजन की थाली में जहर मिला दिया हो। आपकी थाली में? पर ये तो हमारे दुश्मन। हाँ, और ये जानती है कि आपकी जान अपनी माँ में बसती है, इसलिए क्यों ना इसकी माँ को ही खत्म। माँ, ऐसा मत बोलिए। कितना गलत सोच रहे आप लोग। मैंने अंबे माँ के लिए जो भोग बनाया वही लाकर आपको दिया। अंबे माँ के भोग से ना ही किसी को कष्ट होता है और ना ही नुकसान, बल्कि इस भोग को ग्रहण करने से तो कष्ट मिटते हैं। पर लगता है यहाँ ना तो किसी को माता का भोग, भक्ति और श्रद्धा से कोई वास्ता है। यहाँ ना कोई मंदिर है और ना ही देवी देवताओं की मूर्ति। यहाँ तो कोई भगवान का नाम भी नहीं लेता। इसलिए यहाँ भोग भी जहर बन जाता है। ये कैसा महल है? हमारा महल, हमारे बेटे, हमारे परवरिश पर उंगली उठा रही हैं। समझती क्या है आप अपने आप को? अंबे माँ की भक्त, और मैं उंगली नहीं उठाती, बस सच बोलती हूँ। और आप भी अंबे माँ की शक्ति को मानती होगी ना?